संगीत में जुड़ा तो जानने का प्रयास किया कि संगीत से कैसे, संगीत को कैसे चिकित्सा से जोड़ा जा सकता है। फिर जब देखा कि ये शरीर तो एक वीणा है और इस वीणा को अगर सही करना है तो उसका एकमात्र माध्यम संगीत ही है। आज जब अनिद्रा के पेशेंट आते हैं, इंसोमिया के पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि एल्ट्रेक्स खानी पड़ती है, डोलफ्रेक्स खानी पड़ती है तब जाके नींद आती है, तब भी 2 बजे तक जगते रहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम जो होता है बताने का वो यही होता है कि आप संगीत से जुड़िए, यमन सुनिए, वृंदावनी सारंग सुनिए, नट भैरव सुनिए, इन गोलियों का सेवन छोड़ दें। संगीत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमें इन डॉक्टर ने समझाया कि संगीत हमें क्यों सुनना चाहिए। तो ये एक भारतीय संगीतालय का भीमराव अंबेडकर यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी में फंक्शन हुआ था, उसमें बड़े बड़े कलाकार आए थे संगीत के लिए, संगीत गायन वादन दोनों के लिए, और वहाँ पर ये एक डॉक्टर ने स्पीच दी थी कि संगीत हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को आपको मेडिसिन असर नहीं करेगी, लेकिन आप शुद्ध राग जो शास्त्रीय संगीत होता है वो हमारे लिए दवाई का काम करती है। तो जब भी आपको कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो, आप संगीत सुनकर अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और संगीत सीखकर भी आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो ये आपको हमारी जानकारी संगीत से जुड़ी हुई कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहेंगे जिससे कि आप भी संगीत से जुड़ सकें। क्योंकि सीखने के लिए कोई भी उम्र की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती।